आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के एक स्पेशल पिकल रेसिपी। इसमें हमने सीजन की जो सब्जियां होती हैं ना, उनको ऐड करके ये अचार तैयार किया है। आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड करके ये अचार बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सिंपल रेसिपी है। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइफ। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल फूड्स लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीजन की कुछ सब्जियाँ हैं, मूली, गाजर, गोभी, मटर और हरी मिर्च। इन 5 चीज़ों से हम ये अचार तैयार करेंगे। तो हमने मूली, गाजर ये सारी चीज़ों को धोकर छीलकर इतने थिक पीसेस में कट कर लिया है। ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों को बहुत बारीक पतला ना काटें, अदरवाइज़ ये अचार क्रंची नहीं बनेगा। इसी तरीके से हमने गाजर को भी धो छीलकर काट लिया है और गोभी के भी छोटे मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लिए हैं। अगर गोभी में कीड़ा होता है तो उबलते पानी में इन्हें डालकर निकाल लें, नमक और हल्दी के पानी में। और ये सीज़न में कीड़े नहीं होते गोभी में। और यहाँ पर हमने कुछ मटर लिए हैं, ये फ्रेश मटर हैं। आप चाहें तो इन्हें ग्रीन वैली मटर आते हैं जो फ्रोज़न मटर, वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ 50 ग्राम के करीब हमने हरी मिर्च ली है और इनके डंठल तोड़ दिए हैं। क्योंकि हमने इन सब्जियों को वॉश किया है तो इनका थोड़ा सा मॉइस्चर हमें सुखा लेना है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सिर्फ मिर्च को हम नहीं मिक्स करेंगे, मिर्च को हम नेक्स्ट स्टेप में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम मिर्च को अलग हटा देते हैं और हमें इन्हें अलग रखकर बाकी की चीज़ों में नमक और हल्दी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड कर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम हल्दी ऐड करेंगे इसमें। और हल्दी और नमक को हम इन सब्जियों में रब करेंगे अच्छे से। इसे आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं या फिर स्पून से, या फिर इसे आप टॉस कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसी बोल में इन सब्जियों को पड़ा रहने देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। और जब हम इन सब्जियों को देखेंगे कि मॉइस्चर इसका बाहर आ गया है, पानी बाहर आ गया है, तो उस पानी से हम इन सब्जियों को निकाल कर धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। 3 से 4 घंटे धूप नहीं है तो आप फैन के हवा में डाल दें और उसे सुखा लें अच्छे से उसका मॉइस्चर। तो जब तक ये सब्जियां सूखकर तैयार होंगी तब तक हम इनमें डलने वाले मसाले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। तो ये अचार के कुछ मसाले हैं जो कि इसमें हमने 2 चम्मच के करीब पीली सरसों की दाल ली है। ये सरसों की दाल आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं या किसी भी किराना शॉप पे। और अगर आपके पास ये दाल नहीं है और आपके पास पीली सरसों है तो आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये 2 चम्मच है और यहाँ पर 1/2 बड़ा चम्मच यानी कि 1/2 टेबल स्पून हमारे पास अजवाइन है। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच सौंफ, ये मोटी वाली सौंफ है जो कि मसाले में जाती है, और इसे भी हम 1 बड़ा चम्मच ही लेंगे। और ये सारे मसाले रोस्ट करेंगे हम पहले, उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज हैं यानी कि साबुत धनिया, होल कोरिएंडर सीड्स। और 1/2 टेबल स्पून के करीब जीरा है यानी कि क्यूमिन सीड्स। तो यहाँ पर धनिया की मात्रा जीरा से ज़्यादा लेंगे, तो जीरा यहाँ पर थोड़ा कम लेंगे धनिया से। और इसके साथ ही 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी है यानी कि निजेला सीड्स, और ये बिल्कुल अनियन सीड्स जैसे होते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले जाएंगे रोस्ट होकर, लेकिन हम कलौंजी और मस्टर्ड सीड्स को रोस्ट नहीं करेंगे, इसे हम साबुत ही ऐड करेंगे बिना भुने। और इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रोसेस। तो अभी हम मसाले रोस्ट कर लेते हैं। एक हमने पैन गरम कर लिया है गैस पर और इसमें ऐड कर दिए हैं सारी चीज़ें, कलौंजी और मस्टर्ड सीड्स के अलावा सारी चीज़ें हम भून लेंगे। मसालों को चटकने तक भूनेंगे, एक खुशबू आने तक अच्छी सी। आप देख सकते हैं हमारे मसाले चटक चुके हैं। अब हम इन्हें एक ओखली में पीस लेंगे। तो आप यहाँ पर किसी मिक्सी के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। दरदरा पीसना है तो हम इसे पीसेंगे इस तरीके से। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अचार में, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर कि हमने इन्हें मोटा मोटा ही पीसा है। ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेक्सचर देते हैं अचार में।
तो अभी हम इन्हें रखेंगे साइड में। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर हम तेल गरम करेंगे, सरसों का कच्ची घानी का तेल लेना है और इसे हम गरम करेंगे धुआं उठने तक। तेल हम गरम इसलिए करते हैं ताकि जो सरसों की तेज़ जो ठस होती है, जो पंजेंट फ्लेवर होता है, वो हम इससे रिमूव कर सकें, निकाल सकें। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके यूज़ करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ियाँ यहाँ पर सूख कर तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, जो ऊपरी मॉइस्चर होता है पानी की नमी, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसे सुखाना है और इतना भी नहीं सुखाना है कि इनकी जो अंदर की जो मॉइस्चर जो नमी होती है वो निकल जाए, इनकी सॉफ्टनेस चली जाए। इन्हें बहुत करारा नहीं करना है, सुखाना नहीं है, इस तरीके से सॉफ्ट होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि मूली काफ़ी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर मूली, गाजर, ये सारी चीज़ों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अचार में। फाइनली अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च बाद में काट कर ऐड करनी होती है, पहले नहीं सुखाना होता है इसे। तो ये ताज़ी हरी मिर्च कटी हुई हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमने इसे मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काटा है। अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। तो ये एप्पल साइडर विनेगर या फिर आप गन्ने का सिरका या जामुन का सिरका कोई भी ले सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा अचार में और आपका अचार भी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अगर आप विनेगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके बिना भी अचार बना सकते हैं। आप इसे ट्रिक ऐसे ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता है, या आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। और अब हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सरसों के बीज ऐड कर दिए हैं, जो कि दाल थी। कलौंजी ऐड करेंगे और ये है लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि सिर्फ कलर के लिए है। तो हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। हींग ऐड कर लेंगे 1/4 बड़ा चम्मच, इससे गोभी में बहुत ज़रूरी है हींग और काला नमक ऐड करना। तो काला नमक हम 1 बड़ा चम्मच ऐड कर लेंगे। आमचूर पाउडर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच। खटाई आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच ऐड कर रहे हैं, आप टेस्ट कीजिए, अगर आपको कम खट्टा लग रहा है तो और ऐड कीजिए। और नमक ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच नमक ऐड करेंगे, सादा नमक। और इसमें जो बाकी के भुने हुए पिसे मसाले थे वो ऐड कर लेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पर सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो अगर आप सरसों का तेल नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें सेसमे यानी कि तिल का तेल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी आप तेल खाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा अचार बनकर हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। इन्हें अब बात आती है कि स्टोर करने की, कि हमारा अचार किस तरीके से हम स्टोर करें कि ये लंबे समय तक चले। चूँकि इसमें काफ़ी सारी सब्जियां हैं और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि हम चाहते हैं कि ये लंबे समय तक चले। तो इसके लिए हम लेंगे कांच का जार, जो कि स्टरलाइज किया हुआ होना चाहिए। इसे आप गर्म खौलते पानी से धोएं, उसके बाद कड़क धूप में सुखाएं। अगर धूप नहीं है तो आप इसे माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं और उसके बाद इसमें अचार स्टोर करें। तो अचार को स्टोर करने के बाद इसमें इतना तेल ऐड करें ताकि ये अचार उसमें डूब जाए। तो अचार में तेल कम ऐड करना पड़े इसके लिए आप अचार को दबा दबा कर भरें, उसके बाद इसमें तेल ऐड करें। और इस तरीके से ऊपर की जो अचार की जो थोड़ी बहुत मसाले लगे रह जाते वो ज़रूर इसे क्लीन कर दें। और अब आप देख सकते हैं ऊपर की ओर तेल अचार के ऊपर है, यानी कि अचार तेल में डूबा हुआ है। इस तरीके से प्रिजर्व करने से हमारा अचार बहुत काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और इस पर कॉटन का कपड़ा बांधें, उसके बाद इसे धूप में रखें 1 हफ्ते, उसके बाद आप ये टेस्टी सा अचार एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी ये अच्छी सी रेसिपी ट्राई कर सके, टेस्ट कर सके। और अगर आपको कभी लगता है कि आपका अचार ख़राब हो सकता है तो आप इसमें 1 से 2 बूंद सिट्रिक एसिड की डालें, इससे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। थोड़ी सी धूप दिखा दें। देखते रहिए फूड्स लाइफ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।